हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अहान एंड मॉम की दुनिया। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, और माफ़ी चाहती हूँ ये जो पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है ये मेरे बेटे की है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उस दिन की क्लिप जिस दिन मेरा बेटा हुआ था, उसकी छोटी सी एक वीडियो क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि संजीव सर का, क्योंकि इनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, इनकी कंपनी की प्रोडक्ट की वजह से। वो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और सच बताऊँ, स्पेशल थैंक यू ये मैम को भी बोलना चाहूँगी, ये मेरी गायना थी आकाश में, इनकी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वरना इम्पॉसिबल था सच में। और देखिए ये हम लोगों का रूम जिसमें हम लोगों को शिफ्ट किया गया था। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो आधे घंटे के अंदर अंदर मैं शिफ्ट हो गई थी, आधा पौना घंटा शायद। इसके बाद मैं मुझे शिफ्ट कर दिया गया था और मेरे हस्बैंड ने ये रूम स्पेशल मेरे लिए करवाया था। और ये हॉस्पिटल वालों ने ही, आप देखेंगे आगे, ये देखिए हॉस्पिटल वालों ने ये सारा डेकोरेशन किया था, ये उन्हीं का ये उसमें था, इट्स द बॉय, उन्होंने ही ये डेकोरेशन किया था। और अब जो दिखाई देगा मेरी जान, मेरा शोना बेटा अहान। हाँ, ये मतलब उस वक्त कैसी अजीब सी फीलिंग थी ना, मैं समझा नहीं पा रही हूँ अपने आप को। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, नर्वस थी, मिक्स था सब कुछ। और देखिए ये इसके पापा वीडियो बना रहे थे, तो इसके पास ऑब्वियसली जब बच्चों की आदत होती है कि बच्चों के पास कुछ भी आता है ना तो उसे मुंह में लेने की कोशिश, इसे उस वक्त भूख लग रही थी। और बस मुझे आप साइड में देखेंगे थोड़ा सा इस वीडियो में अगर मैं दिखाई दूँ। हाँ देखिए, ये मैं लेटी हुई हूँ, उस वक्त बहुत पेन हो रहा था। बस आप लोगों के साथ ये शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टार्टिंग से जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं माँ बनी थी और क्या फीलिंग थी, क्या था ये सब कुछ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसे ही लाती रहूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।